जब तक कुछ वचन है हमारे जितेंद्र जी नहीं मानेंगे तब तक काम संपन्न नहीं होगा। तो जितेंद्र जी कन्या के कुछ वचन आपको मानने पड़ेंगे, अगर आप हाथ दोगे तभी विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले मांग भरी जाएगी तो आपका सिंदूर और मंगलसूत्र अगर चलता है तो ना, ठीक है, वो रखा ना ठीक है। तो देखो पहला वचन हमारे गुरु ने कहा, सभी कोई ध्यान से सुने, यदि यज्ञ कुर्यात् असमति समिति विहार। मंत्र ने कहा आज के बाद, पहले जितेंद्र जी आप कुछ भी करते थे कोई मतलब नहीं, आप विवाह हो गया ना, तो आज के बाद जो भी यज्ञ हवन पूजन करेंगे। तो मंत्र ने कहा मेरी सहमति जरूर लेना, बता देना, मैं मना नहीं करूँगी, पर मुझे बता कर करना, आपको स्वीकार है। वो मंत्र अग्नि को साक्षी एक धीरी बता दें, यदि आपने शपथ ले ली। मैं जो भी देना लेना है तो बिना मंडी की सहमति से नहीं, ये मना नहीं करेंगे, पर इनको बता कर करना। तो वचन भी वचन कह रहे कि थोड़ा रो रो के वचन भगवान की पालन पोषण हुआ। अब युवावस्था और जवानी अवस्था आपको तो पालन पोषण करना आपको स्वीकार है। वो अब जो है इस तरह से दान का हो गया, गति का हो गया और तीन पालन। चौथा वचन धन आदि गोप समिति दिया। पहले के जमाने में जो धन हुआ करता था वो जमीन में गाड़ के रखते थे, आजकल तो बैंक हो चुके हैं। जब बैंक है तो अपना खाता भी आपने खुलवाया है, जब आपने खाता खुला अब आपको ज्वाइंट भी कराना पड़ेगा, आपको स्वीकार है। वो मस्त हो, अब हमारे जितने मार जा ठीक है। अब पांचवा वचन, गौ आदि पशु क्रय विक्रय। पहले के जमाने में पशु ही धन हुआ करता था, पशु बेचना पशु खरीदना यही व्यवसाय था। आजकल तो ऐसा नहीं, आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंगले कोठी ये खरीदते हैं। तो हमने कहा आप सब कुछ खरीदो, हमारी इच्छा क्या आप हवाई जहाज भी खरीदो, परंतु जो है बिना मंजूर की सहमति के आपको स्वीकार है। वो मस्त जब चीज अच्छी खरीदनी है तो अच्छी चीज खरीदो ना, जब लेना ही है ना। चलो अब जो है छठा वचन, पालन प्रिया। छह ऋतुएं होती हैं, मेन होती तीन, सर्दी गर्मी बरसात। तो जितेंद्र जी बताइए अगर सर्दी हो तो क्या व्यवस्था करोगे? हाँ जी, और देखो कितने समझदार भी हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। अगर गर्मी होगी तो क्या व्यवस्था करोगे? एसी। अरे वाह, कितने समझ, बहुत अच्छा। और बारिश होगी तो क्या व्यवस्था करोगे? नहीं, छाता छाता नहीं, छाता लगाना भी पड़ेगा, छाता लगाना भी पड़ेगा, छाता देना नहीं है, आपको स्वीकार है। वो मस्त, देखो कितने समझदार, पहले से एडवांस, बहुत बढ़िया। ये होनहार वृक्ष के हो चीखने पास, ये घर की ये पहचान है, संस्कार है। अब जो है बहुत बहुमूल्य वचन, ध्यान से सुने जितेंद्र जी। मंजू ने कहा सखी हासम कटु वाकम ना बलाहम वाम भागम अगच्छामि। मंजू ने कहा सातवां वचन बड़ा बहुमूल्य है, कभी भी समाज के सामने गली में मोहल्ले में सखियों में मेरा कभी अपमान नहीं करना। मैं स्त्री हूँ, मेरे से भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, अगर कोई ऐसी बात आ जाए आप घर के अंदर मुझे डांटे फटकारे जो भी कहना है, पर मेरे को घर के अंदर कभी समाज के सामने मेरा अपमान नहीं करना। वो मंजू ने कहा पंडित इंडिया वाला वचन सुनाएंगे, जो सुनो बहुत बढ़िया। हमारे वचन ये सारे मान लिए, पंडित जी ये मेरे कुछ वचन माने तब मैं माया में वो अन्यथा नहीं। हमने कहा ठीक है भाई, दोनों का मैंने सात वचन माने, ये 14 वचन माने तब मायंग में होगा। तो हमने कहा पंडित जी वचन
निभाऊंगी, घर का काम करूंगी, ये मेरे लिए बहुत अधिक है। यहाँ से छूट मिला हूँ क्योंकि लेडीजों की छूट होती है ना। काफले होने वाले काशी के पति जी मेरे साथ माने, फिर भी साथ माने तो मंजू ने अभी भी कहा पति जी नहीं, अभी भी मेरे लिए छूट था। तो फिर हमने जितेंद्र जी से आग्रह किया तो जितेंद्र जी बड़े दयालु थे, तो उन्होंने कहा पंडित जी मेरे साथ माने ना, तो साथ के आने कितने होते हैं? 3.5, 3.5 तो जितेंद्र से ना साढ़े का चक्कर अच्छा नहीं होता, सीधा 4 होता। अगर ये 4 वचन मान ले मैं बालन पर दूंगा। तो पंडित ध्यान से सुने घर के 4 वचन। हमारे वर महोदय ने कहा कि उद्याने मध्य पाने पिता का हदा मेरे बेटा और क्या भंगोल कर हमारे वर महोदय जी ने कहा देखो विवाह होने के पश्चात पति और पत्नी कहाँ जाते, जंगल जाते थे, इसलिए लकड़ी लेकर जाते थे, भोजन बनाते थे। आजकल तो ऐसा नहीं, आजकल तो जो है बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो अगर जहाँ भी आप जाएँ तो आप अपने पति के साथ जाएँ, अकेले